चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने पहले क्राइम सीरियल देखा, चोरी करने का तरीका सीखा, फिर गिरोह बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर नसरुल्लागंज पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और चोरी किए गए माल को भी जब्त कर लिया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। वहीं जानकारी देते हुए नसरुल्लागंज SDOP आकाश अमलकर ने बताया कि 13 जनवरी को फरियादी लोकेंद्र शर्मा ने नसरुल्लागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी ने बताया था कि कृषि उपज मंडी के पास उसकी मोटर वायरिंग की दुकान, कॉपर वायर, DC कोटेड कॉपर वायर कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए हैं। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। तकनीकी सहायता एवं CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दिनांक 13 जनवरी को फरियादी लोकेंद्र शर्मा आए थे थाने पे। आज इन्होंने बताया कि ये कृषि उपज मंडी के पास इनकी मोटर वाइंडिंग की शॉप है, तो रात को दुकान बंद करके गए थे। सुबह जब दुकान खोलने गए तो ताला टूटा हुआ मिला। जब अंदर देखा तो इनका जो कॉपर वायर जो रहता है और एक मोटर है लगभग 2 क्विंटल के आसपास की, जो चोरी हो गई थी, जिनने थाने में सूचना दी। थाने में तत्काल मामला पंजीबद्ध किया तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक टीम गठित की गई। टीम में जब तकनीकी साक्ष्य और CCTV कैमरे खंगाले तो 3 लड़कों द्वारा ये चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक आशुतोष विश्वकर्मा थे और 2 अन्य नाबालिग बच्चे थे। जिनसे जब तरीका वारदात पूछा गया तो इन्हें बताया कि हमको आईफोन खरीदना था तथा इंदौर में घूमने जाना था, इस कारण हमने चोरी को अंजाम दिया। चोरी की इनको प्रेरणा क्राइम पेट्रोल का एक सीरीज देखकर मिली थी, जिनने इनने एक जो आशुतोष विश्वकर्मा है जो अपने घर से बाइक कार लेकर आया कार और फिर इनने एक पेंट की दुकान से स्प्रे पेंट खरीदा। स्प्रे पेंट लेने के बाद इन्होंने कैमरे पर स्प्रे पेंट लगाया और सब्बल से ताला तोड़कर आशुतोष शर्मा जी की दुकान से चोरी कर लिया और माल अपने तलाई मोहल्ले के चाचा जी के घर की छत पर रख दिया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्हें जुर्म स्वीकार किया है और पूछताछ की जा रही है। इन 3 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही चोरी किए गए माल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। किसी सीरियल को देखकर आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इंदौर घूमने और आईफोन लेने के लिए चोरी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नसरुल्लागंज।